हे गाइस वेलकम टू स्पार्टन सुप्स। आई होप गाइस अच्छे होंगे। सो गाइस आपको पता है कुछ देर पहले मैं आपको एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव मोड है उसका पूरा डिटेल वीडियो एक्सप्लेन करके बताया, जिसमें से बहुत सारा एडवांटेज में बताया, डिसएडवांटेज भी बताया। और वो वीडियो में मैं तीन चीज़ मेंशन करना भूल गया जो कि कहीं ना कहीं एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव मोड से रिलेटेड है, जो कि आज हम लोग ये वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अभी वाला जो वीडियो आप देखने वाले हो उसी का सेकंड पार्ट आप बोल सकते हो। और उसी के साथ साथ एडिशनल मैं आपको M9 रॉयल पास एंड M10 रॉयल पास का जो फ्री इमोट आने वाला है पूरा मैं आपको उसका एनिमेशन दिखाने वाला हूँ। तो आज ही आपको पता चल जाएगा कि फ्री इमोट में क्या क्या इमोट आपको मिलने वाला है M9 रॉयल पास में एंड M10 रॉयल पास में। तो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखो, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आपको एनिवर्सरी मोड का पार्ट 1 वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना। ये पार्ट 2 है जिसमें आपको तीन फीचर दिखाने वाला हूँ। तो एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव मोड में जैसे ही आप चिकन डिनर निकालोगे और जो आपके टीम का MVP है, अगर आप सोलो खेल रहे हो तो आप खुद ही MVP हो, तो आपको पता है कि नॉर्मल अभी अगर आप खेलते हो तो आपको स्टैचू प्लांट करने के लिए दिया जाता है, जो कि आपको पता ही होगा। बट ये एनिवर्सरी अपडेट में आप अगर चिकन डिनर निकालते हो और MVP होते हो अपने टीम का, तो आपको वो जो स्टैचू है वो तो प्लान करने के लिए मिलेगा ही, बट उसके साथ साथ ये स्टैचू का जो लुक है उसको चेंज कर दिया गया। ये देखो नया लुक, ये एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव स्टैचू है जो कि आप प्लान कर सकते हो MVP करने के बाद या चिकन डिनर निकालने के बाद, आपको समझ में आ गया। ये नया लुक है, ये पहला चीज जो कि मैं मिस कर दिया था। सेकंड चीज ये है कि अगर आप एनिवर्सरी अपडेट खेलते हो उसके बाद आप मर जाते हो तो आपको पता है कि आपका जो किल्स है उसके साथ साथ आपका जो टीम का किल है वो एक जगह दिखता है, शोकेस्ट होता है, तो वो जो एग्जिट पॉइंट है वहां आपका कैरेक्टर, आपका जो टीममेट का कैरेक्टर, वो उधर एक डांस करके दिखाया गया एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव डांस जो कि आप देख पा रहे हो। और ये एक नया चीज़ था जो कि मैं मेंशन करने भूल गया प्रीवियस वाला वीडियो में। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है, ये जो एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव मोड है ये बहुत सारा मोड का एक कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक और एक्सक्लूसिव मोड को इसके अंदर आप इंक्लूड कर लो, वो है स्पाइडरमैन मोड। आपको पता है स्पाइडरमैन मोड में आपको वेब शूटर मिलता था, तो ये वाला एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव जो मोड होने वाला है इसमें भी आपको वेब शूटर मिलने वाला है। बट ये आपको जगह जगह नहीं मिलेगा, बहुत ही हार्ड जगह में इसको बोल सकते हैं स्पॉन करके रखा है फिलहाल के लिए बीटा वर्जन में। तो आपको पता है 2/4 एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव आपको पार्क दिखाई देता है ये वाला एक्सक्लूसिव मोड में। वो पार्क के सबसे ऊपर वाला एरिया में अगर आप लैंड करते हो या नीचे से ऊपर जाते हो तो आपको ये वेब शूटर मिल जाएगा। ये बहुत ही प्रीसियस बोल सकते हो सामान है, सब जगह आपको नहीं मिलेगा, और जो पहला बंदा उसमें आएगा उसको लेकर भाग जाएगा और उसको खेल सकता है। तो फॉर्चुनेटली मैं पहले ही मैच में गया और मुझे पहले ही अटेम्प्ट में ये चीज़ मिल गया, बहुत बंदे उतरे थे बट एग्जैक्ट लैंडिंग नहीं कर पाए तो इसलिए उसको वेब शूटर तो नहीं मिला। तो अभी ये जो वेब शूटर का जो इंपॉर्टेंट होगा एनिवर्सरी अपडेट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले जो क्या होता था कि स्पाइडरमैन मोड में तो आपको जगह जगह ये चीज़ मिल जाता था, बट अभी ये जो मोड होने वाला है तो अगर यही एग्जैक्ट लोकेशन में केवल एक मिलता तो आपको पूरा मैच में केवल दो ही वेब शूटर मिलेगा। आपको पता है 2 एनिवर्सरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, 2 आपको वेब शूटर मिल जाएगा अगर दूसरा जगह कहीं स्पॉन नहीं होता। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ आपको ये वेब शूटर मिल जाएगा। अब हो सकता है स्पाइडरमैन का भी मोड को कंबाइन कर दिया गया ये एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव मोड में। तो ये तीन चीज़ें था जो कि मैं मिस कर दिया था प्रीवियस वीडियो में। होपफुली ये वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो अभी मैं आपको फ्री इमोट दिखाने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं M9 रॉयल पास का फ्री इमोट दिखा देता हूँ जो कि आपको फ्री में मिलने वाला, एक भी UC आपको देने का जरूरत नहीं है। तो ये देखो सबसे पहला M9 रॉयल पास का इमोट, इसका नाम है आर्चरी डांस। और विक्टर के ऊपर देख लो कैसा लग रहा है, कमेंट करना विक्टर चाचा OP आप बोल सकते हो। और ये डांस नेक्स्ट लेवल लग रहा है, ये पहले भी लीक होकर आया था बट इस बार आपको M9 का रॉयल पास में ये वाला इमोट देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी अच्छा है, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो गेम फॉर पीस से भी लिया गया। उसके साथ साथ आप देख पाए स्टॉम्प ग्राउंड नाम का ये आपको इमोट दिखाई दे रहा है जो कि M10 का फ्री इमोट में आपको दिखाई देगा। देखो ये दोनों सफल हो सकता है, या तो M10 को मैं जो बताया वो M9 में आ सकता है और M9 वाला रॉयल पास वाला इमोट M10 में आ सकता है, बट फ्री वाला एरिया में ये आएगा ये कन्फर्म है। और मैं आपको दोनों इमोट दिखा दिया जो कि आपको फ्री रॉयल पास में मिलने वाला, ठीक है। तो ये दो इमोट कैसा लगा, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करना। आपको पता है कि फ्री वाला इमोट ज़्यादा अभी बेहतर होता है जब से मंथ वाला कॉन्सेप्ट आया है, तो ये इस बार वाला भी इमोट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हो। फिलहाल ये वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।